जैसे कि अभी काजल ने शेयर किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटली अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी रीजन से वो डिजिटल स्किल्स सीख नहीं पाते हैं। तो आप क्योंकि थिंक डिजिटली एक वर्कशॉप पे काम कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ कुछ इनसाइट्स शेयर करो कि डिजिटल स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों जरूरी हैं और कितनी जरूरी हैं पोस्ट कोविड। एंड दूसरा कि अगर हम थिंक डिजिटली की बात करें, उसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिससे कि वो फुल्ली अच्छी तरीके से अपने आप को डिजिटली प्रिपेयर कर सके और नई स्किल्स के साथ अपने आप को इम्बाइब कर सके। तो मैम, आफ्टर कोविड एवरीथिंग हैज बिकम कॉन्टैक्टलेस, लाइक कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग, कॉन्टैक्टलेस एंटरटेनमेंट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, एवरीथिंग इज कॉन्टैक्टलेस। तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द वायरस और बीइंग डिजिटल इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम साथ चल सके, हम वो नॉलेज गेन कर सके जो आज के टाइम पे सारे यूथ के पास है। बिकॉज आज के टाइम पे सारी जॉब्स ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। डिजिटली वर्ड सबके लिए डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। किसी के लिए इट मीन्स टू लर्न MS Excel और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मेकिंग स्प्रेडशीट। फॉर सम इट वुड बी जॉब ओरिएंटेड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, टू लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड फॉर सम इट वुड बी रिलेटेड टू IT, टू लर्न IT शॉप। सो इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर एवरीवन। जो वर्कशॉप वी वर डूइंग उसमें वी वर कवरिंग द बेसिक्स सो दैट कि यूथ जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर सके और जिनके पास वो अवेलेबल नहीं है वो के टाइम पे जो यूथ के पास, हम उन्हें वो रिसोर्सेज दे सके और वी कैन प्रोवाइड देम द स्किल्स सो दैट वो आज के टाइम पे इक्वली कदम से कदम मिला के चल सके। व्हाट डिजिटली वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इन 1991। उस टाइम पे इट वाज नॉट दैट रैपिड, इट वाज अडॉप्टेड ग्रेजुअली स्लोली। बट फ्रॉम इफ वी टेक इट रफली नंबर्स, अराउंड 14 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट टूडे, अराउंड 14 बिलियन। सो उसके अंदर इंडियन यूथ जो है वो उस स्किल्स में लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देर इज नथिंग लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट्स जस्ट पीपल आर नॉट एबल टू हैव दो स्किल्स जो कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। ओके, सो आपका स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज की या कोई भी इंस्पिरेशनल लाइन आप शेयर करना चाहते हो? मैम, मैसेज तो यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, लर्न न्यू थिंग्स। जैसे अभी 4 महीने निकल गए हैं लॉकडाउन के अंदर ही, सो रादर देन जस्ट सिटिंग एट होम एंड क्राइंग कि अब हम क्या करें, पीपल शुड स्टैंड अप एंड लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज ऑनलाइन एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। सो रादर देन जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग कि हमारे पास जॉब नहीं है या हमारी जॉब चली गई है, अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब हम और भी बहुत कुछ, लाइक ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं ताकि हम किसी लॉकडाउन खुलते हैं, हम किसी अच्छी हाई पेड जॉब के लिए अप्लाई कर सके। सो यही मेरा मैसेज। ओके, वेरी नाइस। और हर्षिता, क्योंकि आप थिंक डिजिटली वर्कशॉप के लिए मॉड्यूल्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करो और सबको इनवाइट तो करो। मैम, नेक्स्ट मंथ वी आर कमिंग अप विद आवर थिंक डिजिटली वर्कशॉप। सो फॉर्म्स भी नेक्स्ट मंथ रोल आउट हो जाएंगे विद द डिटेल्स, और टू फॉर डिटेल्स पीपल कैन लुक फॉर आवर वेबसाइट, दैट इज www.swanlivelihood.co.in। उसपे सारी डिटेल्स जल्दी आ जाएंगी और उसके साथ फॉर्म्स भी आ जाएंगे, और जो भी इंटरेस्टेड होगा टू लर्न मोर अबाउट डिजिटल और टू गेट न्यू स्किल्स, सो दे कैन रजिस्टर्ड इन द फॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच हर्षिता।
and for being with us and for all the hard work that you have done during the COVID to help us and support us and also empower our students. Happy World Youth Day. Same to you, ma'am.